प्यार में डूबी हुई लड़कियों को चेतावनी, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़की को उनके माँ बाप ने मेरे पास में लाया। लड़की काफी डिस्टर्ब और उसका मतलब उसको डिप्रेशन था और उसको ऐसा हो गया था कि अभी करूँ क्या, बार बार वो सुसाइड की धमकी दे रही है, सुसाइड करने की उसकी इच्छा हो रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना। जब पूछा तो मालूम पड़ा कि उसका अफेयर चल रहा था और उसमें वो लड़के ने उसका गलत फायदा उठाया। जब पूछा तो काफी सारा सत्य सामने आया और जो बाकी सब जगह जो दिखता है वो मैं भी बताने वाला हूँ। मतलब यही नहीं, बाकी भी जगह ऐसा दिखता है। क्या होता है कि अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कॉमन है, उसमें एक आधे लड़की को एक लड़का अच्छा लगता है, वो अच्छा दिखता है, उसका हीमैनशिप या वो ज्यादा स्टाइल मार रहा है या काफी बड़े घर का है या हाथ में चेन अंगूठी है, बड़ी घड़ी है, बाइक है, पैसा खर्चा करता है, मतलब ऐसा आकर्षित कर लेता है। कभी लड़की को कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला, अभी वो कॉलेज में जा रही है, घर से अभी तक बहुत सप्रेस अभी एकदम बाहर आ गई वो, तो उसको एकदम खुला लगता है वातावरण और फिर वो कहीं भी प्यार में आ जाती है, फंस जाती है। लड़के भी ऐसी लड़कियों को बराबर ये कर लेते हैं, मतलब घेर लेते हैं, प्यार में फंसाते रहते हैं और उनके साथ में फिर नहीं वो सिचुएशन में फोटो निकालना, नग्न फोटो निकालना, ऐसे अकवर्ड पोजीशन में फोटो निकालना, ऐसा चलता है और फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। क्या होता है कि आजकल कोई भी फोन में फोन रिकॉर्डिंग होता है तो उसमें कुछ भी बातें ऐसी करना कि जो रिकॉर्ड हो जाती है और फिर बातें रिकॉर्ड हो गई तो फिर उसका भी गलत फायदा उठाया जाता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग हुई। व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग करते, व्हाट्सएप के सब पूरे अपने को डाटा मिल जाता है, फोन का भी डाटा मिल जाता है। अच्छा, फोन के फोटो मतलब फोन में जो फोटो खींचे हुए वो है, वीडियोस खींचे हुए वो है, तो उसका गलत फायदा उठाते हैं या फिर कहीं लीक हो सकते हैं। जब मोबाइल कहीं दुरुस्ती को मतलब रिपेयर को लेके गए और वो मोबाइल वाला भी कभी उसको दिख गया कि ऐसा डेटा है तो वो भी वो निकाल लेता है और वहां से वो बाहर जा सकता है, फिर वो ब्लैकमेल कर सकता है। तो ऐसे काफी सारी बातें हैं कि जिसमें लड़की प्रॉब्लम में आ जाती है। तो अभी लड़कियों ने देखना चाहिए कि भाई कहीं मेरा फोटो तो निकाल नहीं जाता है, कभी ऐसा लगता है कि कैमरा ऑन नहीं है मगर तभी भी कैमरा ऑन रहता है, ऐसे मोबाइल से ना कि बीच में लगता नहीं कैमरा ऑन है मगर वो कैमरा ऑन रहता है और आप साथ में बैठे कोई लड़के के साथ में कैमरा ऑन है, फोटो निकाले जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं कि फोटो निकाले जा रहा है और बाद में फिर ब्लैकमेलिंग होता है। तो ये सब लड़कियों ने देखना चाहिए और बहुत ही संभल के रहना चाहिए। मतलब कोई चैटिंग नहीं होना चाहिए फोन के ऊपर, व्हाट्सएप नहीं, फिर फोन के ऊपर बातचीत भी नहीं होना चाहिए। साथ में रहते तो पहले मोबाइल बंद करो भाई, मोबाइल बंद करके बात करो, मोबाइल बाहर दिखना ही नहीं चाहिए। जैसा कहीं जाते हैं सिक्योरिटी चेक होता है, कहीं बड़े व्यक्ति को मिलने जाते हैं सिक्योरिटी चेक होता है तो पहले मोबाइल जमा कर लेते हैं या मोबाइल ऑफ करने के लिए बोलते हैं, बाद में अंदर जाओ वैसा, क्योंकि आजकल मोबाइल इतना पावरफुल टूल हो गया है कि उससे क्या करेंगे, कोई कुछ बोल नहीं सकते। कभी कोई रिकॉर्डिंग सिर्फ कर लेते, ऑन कर लेते, या कोई रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किसके पास में है क्या, और फिर वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से वो कोई आवाज रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में ब्लैकमेल कर लेंगे। तो काफी सारी बातें हैं कि जिसमें लड़कियों ने ध्यान रखना चाहिए कि वे आगे चल के अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कैरेक्टर किसका भी खत्म करना बहुत इजी बात है। एक्चुअली फोटो नहीं लिया तभी भी ऐसा होता है कि कुछ फोटो ऐसे हैं कि अभी जो फोटो निकाल के अभी कंप्यूटर में लोग इतने एक्सपर्ट हुए कि जो फोटो नहीं भी लिए है वो फोटो लिए गए ऐसे बता के उसका वीडियो बना के या उसके फोटोग्राफ्स ऐसे तैयार किए जाते हैं कि लगता है कि इनका बहुत कुछ तो भी गड़बड़ है, मतलब इस तरह से होता है वो। तो ये सब लड़कियों ने ख्याल देखे अपने अपने लाइफ में यदि रही तो फिर बाद में ना उनको प्रॉब्लम आएगा, उनका लाइफ बाद में खराब नहीं होगा, क्योंकि बाद में शादी के लिए कितना प्रॉब्लम आएगा, ये सब पूरा जो हिस्ट्री किसको मालूम पड़ा। क्योंकि लड़का फिर क्या करता है, कहीं शादी हो रही तो वहां मैं फोटो भेजूंगा, यहां वहां इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतने लाख रुपए दो, मतलब इस तरह के लोग ब्लैकमेलिंग करते, तो आगे का भी लाइफ का प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। माँ बाप को मुंह बताने के लिए जगह नहीं रहती है कि ऐसा कैसा करेंगे, हम किसको मुंह बताएंगे। तो ऐसे इसमें खुद को संभलना ये युग में वो बहुत जरूरी है और लड़कियों ने खुद को संभल के जो भी करना है वो करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लड़कियों को शेयर करो ताकि वो अपना अपना लाइफ जो जी रही है वो बिल्कुल प्रिकॉशनरी मेजर लेके जिएंगी ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा प्ले स्टोर से ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळकर मनोविकास, और उसमें आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। मेरे नीचे नंबर दिए हुए, वहां आप मुझे कॉल करके मेरा कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।